नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HP लाइट 2018 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, जो पेपर आपका 29 अप्रैल को हुआ था। ये क्वेश्चन सीरीज डी के क्वेश्चन आंसर हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है ए, के सिवान। नेक्स्ट है, वह कौन सी प्रथम महिला वकील है जिसके नाम का कॉलेजियम ने सर्वोच्च न्यायालय जज की नियुक्ति हेतु सिफारिश की है? इसका आंसर है सी, इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट है आपका, निमित में से किसे 2017 में पद्म विभूषण प्रदान नहीं किया गया? इसका आंसर है बी, LK अडवाणी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अप्रैल 2017 में भारत व बांग्लादेश के बीच किस मार्ग पर रेल को प्रशिक्षण हेतु हरी झंडी दिखाई गई? इसका आंसर है डी, खुलना कोलकाता। नेक्स्ट है आपका, 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है सी, के शुभनाथ। नेक्स्ट है आपका, निमित में से कौन सी महिला भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जज रही? इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मई 2017 में चेन्नई मेट्रो किस मार्ग पर चलने लगी? इसका आंसर है ए, थिरुमंगलम नेहरू पार्क। नेक्स्ट आपका, भारतीय राष्ट्रपति चुने जाने से पहले श्री रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? इसका आंसर है बी, बिहार। नेक्स्ट आपका, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका आंसर है सी, ओम प्रकाश रावत। नेक्स्ट आपका, APG अब्दुल कलाम का संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसका आंसर है बी, पोई कोरुम्बू। नेक्स्ट आपका, भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन बनी? इसका आंसर है सी, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट आपका, 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर है डी, कृष्णा सोबती। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन भारतीय वायुसेना के मार्शल के पद पर रहे? इसका आंसर है सी, अर्जुन सिंह। नेक्स्ट आपका था, भारत में किसे DNA का जनक माना जाता है? इसका आंसर है लालजी सिंह। नेक्स्ट आपका, निम्न प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से किसका 2017 में निधन हो गया? इसका आंसर था उपयुक्त सभी। नेक्स्ट था, मार्च 2017 में किस देश के प्रतिनिधि को सार का महासचिव चुना गया? इसका आंसर आना था सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट आपका था, सन 2017 में भारत की किस महिला को समुद्री कानून की अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यून का जज नियुक्त किया गया? इसका आंसर था नीरू चड्ढा। नेक्स्ट आपका था, सन 2017 का मैन बुकर फिक्शन इनाम किसे दिया गया? इसका आंसर है जॉर्ज सैंडर्स। नेक्स्ट, वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इसका आंसर है शाहिद खान अबासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? इसका आंसर है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट है, सार्क संगठन में कितने देश सदस्य हैं? इसका आंसर है 8। नेक्स्ट, सन 2017 में ब्रिक्स देशों का 9वां सम्मेलन किस देश में हुआ? इसका आंसर है चीन। नेक्स्ट, सन 2017 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर है ICN। नेक्स्ट, 24वां, वर्तमान समय में किन देशों ने अपने को यूनेस्को से अलग होने की घोषणा की? इसका आंसर है अमेरिका व इसराइल। नेक्स्ट है, हाल ही में लीक हुए पैराडाइज पेपर्स किससे संबंधित है? इसका आंसर है गुप्त टैक्स बचाने वाले राज्य। नेक्स्ट है, किस भारतीय न्यायाधीश को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया? इसका आंसर है दलबीर भंडारी। नेक्स्ट है, सन 2017 में किस फिल्मी हस्ती का देहांत हो गया? इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में 2017 में खेल की गतिविधियों से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है डी, सभी कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2017 में किस भारतीय महिला टीम ने 13 वर्षों के अंतराल के बाद एशिया कप जीता? इसका आंसर है ए, हॉकी। नेक्स्ट था, सन 2016 रियो डी जेनेरो ओलंपिक में भारत को कितने पदक मिले? इसका आंसर है 2। नेक्स्ट था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21(1) किससे संबंधित है? इसका आंसर है ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट था, संसद में पूछे जाने वाले विभिन्न प्रश्नों में तारांकित प्रश्नों का संबंध किससे होता है? इसका आंसर है बी, इनका संबंध होता है मौखिक उत्तर देना होता है। नेक्स्ट था, कोई विल धन है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है अध्यक्ष लोकसभा। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी किसे माना गया है? इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा का को कौन सी विशिष्ट शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर है ए, नवीन अखिल भारतीय सेवा के गठन हेतु बिल प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है, संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? इसका आंसर है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 1995। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ए, GV मामलकर। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को कौन चुनता है? इसका आंसर है संसद सदस्यों के संयुक्त अधिवेशन में। नेक्स्ट आपका, युगम से रिलेटेड था, इसमें आपका आंसर राइट आना था ए, लखनऊ के नेता थे मौलवी अहमदुल शाह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासन काल में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ? इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर था दादा भाई नौरोजी।
नेक्स्ट था, सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है महात्मा ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? इसका आंसर है लाला हरदयाल। नेक्स्ट 46, निम्नलिखित आंदोलनों में से सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन घटित हुआ? इसका आंसर है स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन, जो 1905 के बाद शुरू हुआ था। नेक्स्ट है 47, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन को चिन्हित करती है? इसका आंसर है दांडी मार्च। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का महासचिव कौन था? इसका आंसर है एओ ह्यूम। नेक्स्ट, भारत परिषद अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता है? इसका आंसर है मौले मिट्टू सुधार। नेक्स्ट, जलियांवाला हत्याकांड किस वर्ष हुआ? इसका आंसर है 1919। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम की स्थापना की? इसका आंसर है 1917। नेक्स्ट है, 1933 में गांधी जी ने किस पत्रिका का आरंभ किया था? इसका आंसर है हरिजन। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ किया? इसका आंसर था चंपारण। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है? मेरा विश्वास है कि अगर केवल कायरता और हिंसा में चयन करना हो तो मैं हिंसा के चयन का सुझाव दूंगा। इसका आंसर आना था महात्मा गांधी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने हिंद साम्राज्य में निम्नलिखित में से किसकी कड़ी आलोचना की? इसका आंसर है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के अनुसार पूंजी और श्रम के बीच किस प्रकार का मत संबंध है? इसका आंसर है पारस्परिक बहिष्कार। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के मत निर्माण में किसकी लेखिका का गहरा प्रभाव पड़ा? इसका आंसर है लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट है, सत्याग्रह का सार्वधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? इसका आंसर है अहिंसा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब हिंदू धर्म से अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रस्ताव अपनाया? इसका आंसर है 1920। नेक्स्ट है, श्रास्त्रंगनी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ जो कश्मीर का राजनीतिक इतिहास है की रचना किसने की? इसका आंसर है कलहन। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में से कौन सा स्थल भारत में है? इसका आंसर है आलमगीरपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के विषय में सही है? इसका आंसर है उन्होंने जाति की बिना परवाह किए संघ में सभी को प्रवेश दिया। नेक्स्ट है, चार्वाक दर्शन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है लोकायत। नेक्स्ट है, अंकोरवाट का प्रसिद्ध मंदिर किस देश में है? इसका आंसर है कंबोडिया। नेक्स्ट है, गुप्तकाल में किसने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की? इसका आंसर है अमर सिंह। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीन से भारत आया था? इसका आंसर है हिंसा। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बी सिकंदरा। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु के अधीन आदि ग्रंथ अंततः संकलित किया गया था? जो आदि ग्रंथ है इसका संकलन गुरु अर्जुन सिंह ने किया था, लेकिन अंत में गुरु गोविंद सिंह ने 1705 में नौवें गुरु के श्लोक जोड़कर इस ग्रंथ को अंततः संकलित किया था। तो इसका राइट आंसर आना था गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया? इसका आंसर है राजराज प्रथम। नेक्स्ट था, विश्व में न्यूनतम वर्षा किस मरुस्थल में दर्ज की गई? इसका आंसर है अटाकामा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम तापमान दर्ज किया जाता है? इसका आंसर आना था द्रास। नेक्स्ट, अधिकतम वार्षिक तापमान किस स्थान पर दर्ज किया जाता है? इसका आंसर है जगत। नेक्स्ट है, सम्मानित ओले कौन से बादल से बनते हैं? इसका आंसर है कपासी वर्षा बादल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्तन पाई नहीं है? इसका आंसर आना था मैक्रेले और ट्यूनी। नेक्स्ट है, सार्वधिक महाद्वीपीय शेल्फ तट का विस्तार किस महासागर में है? इसका आंसर है आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट है, निम्न जिलों में से किसमें उच्चतम लवणता पाई जाती है? इसका आंसर है मृत सागर। नेक्स्ट था, विश्व में सबसे ऊंचा जवारभाटा कहाँ आता है? इसका आंसर है फंडी की खाड़ी। नेक्स्ट है, पापुआ की खाड़ी कहाँ स्थित है? इसका आंसर है दक्षिणी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मांस पक्षी नहीं है? इसका आंसर है बालरस। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर है होनोलुलु। नेक्स्ट है, भारतीय तटीय क्षेत्र जो कि तूफान चक्रवात और सुनामी के लिए उपलब्ध है, इसका आंसर है 5700 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 83 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं? इसका आंसर है बी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, चक्रवात शब्द लिया गया है? इसका आंसर है यूनानी शब्द से। नेक्स्ट, 85, भारत में किस महीने में बाढ़ आने की संभावना रहती है? आंसर है जून सितंबर। नेक्स्ट, सुनामी आने की संभावना कब रहती है? इसका आंसर है दिन या रात किसी भी समय। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन दल आपदा से उत्पन्न समस्या को हल करने के लिए जिम्मेदार कौन है? इसका आंसर है सभी द्वीप महाद्वीपों में। नेक्स्ट है, 35 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने आपदा संभावित क्षेत्र हैं? इसका आंसर है 23। नेक्स्ट है, भारत में प्राकृतिक और प्रेरित खतरों के कारण 1980 से 1910 के दौरान कितने मनुष्यों की मृत्यु हुई? इसका आंसर है 156,857। नेक्स्ट है, मार्च 2012 के भूकंप और सुनामी से हजारों लोगों की जनहानि कहाँ हुई? इसका आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, ह्यूमन आईज मोस्ट सेंसिटिव टू विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ? इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन? इसका आंसर है सी वैक्यूम। नेक्स्ट है, लाइट ईयर इज? इसका आंसर है बी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वन ईयर इन वैक्यूम। नेक्स्ट है, लेजर इज ए सोर्स ऑफ? इसका आंसर है सी लाइट। नेक्स्ट है, 95, एरियर व्यू मिरर ऑफ कार इज? इसका आंसर है बी कन्वेक्स। नेक्स्ट है, एन एयर बबल इन वाटर बिहेव एज? इसका आंसर है ए डाइवर्जेंट लेंस। नेक्स्ट, रेनबो इज सीन ड्यू टू? इसका आंसर है डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट है, ए कन्वेक्स लेंस इज यूज टू क्रैक? इसका आंसर है बी लॉन्ग साइड इफेक्ट। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल इन लाइट ड्यू टू? इसका आंसर है ए स्कैटरिंग। नेक्स्ट है, फिंगरप्रिंट्स ऑन पेपर आर आइडेंटिफाइड बाय स्पिकिंग फ्लोरेसेंट पाउडर ऑन एंड
ऑब्जर्व इट अंडर, इसका आंसर है अल्ट्रावायलेट लाइट। नेक्स्ट है लाइटनिंग रोड्स आर मेड ऑफ, इसका आंसर है ए मेटल। नेक्स्ट है इन एन ऑर्डिनरी सेल द इलेक्ट्रोलाइट इज, इसका आंसर है सी अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है पावर ऑफ ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए पावर हाउस ऑन हाई वोल्टेज ए सी इज बिकॉज ऑफ, इसका आंसर है इट इज मोर इकोनॉमिकल ड्यू टू लेस पावर वेस्टेज। नेक्स्ट है बेस्ट मटीरियल फॉर परमानेंट मैगनेट, इसका आंसर है सी आयरन। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सी मेंस इन इंडिया इज, इसका आंसर है सी 50 हर्ट्ज़। नेक्स्ट है मीडियम फ्रीक्वेंसी वेंट स्टैंड फॉर, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ ओजोन लेयर अबव द ग्राउंड इज, इसका आंसर है वी 59 to 80। नेक्स्ट है वेव्स यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन, इसका आंसर है डी माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट है द साइज ऑफ एन एटम इज ऑफ, इसका आंसर है ए 1। नेक्स्ट है 110 द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑन द कैरियर वेव, इसका आंसर है वी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम टाइम ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, इसका आंसर है डी प्लूटो। नेक्स्ट है द गैलेक्सी इन विच वी लिव इज, इसका आंसर है ए स्पाइरल गैलेक्सी। नेक्स्ट है द नेम ब्लैक होल इज गिवन बिकॉज, इसका आंसर है सी बिकॉज इट्स ग्रेविटी इज सो हाई दैट इट प्रिवेंट्स इवन लाइट टू रेडिएट इनटू स्पेस। नेक्स्ट है द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज ऑफ, इसका आंसर है डी 1 N। नेक्स्ट है द एनर्जी ऑफ ए फोटॉन इज ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, इसका आंसर है बी HC अपॉन लैम्डा। नेक्स्ट है वन कैन नॉट सी थ्रू फॉग बिकॉज, इसका आंसर है बी लाइट इज स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट्स इन फॉग। नेक्स्ट है एनर्जी इन द करंट कैरिंग कॉइल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, इसका आंसर है सी मैग्नेट फील्ड। नेक्स्ट द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, इसका आंसर है डी द फैक्ट दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर फ्लक्चुएट्स। नेक्स्ट है 119 अप टू विच टेम्परेचर द मर्करी थर्मोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट, इसका आंसर है सी 360 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आयरन नीडल फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, इट इज रीजन, इसका आंसर है सी सर्फेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर द मेल लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2011 सेंसस वाज, इसका आंसर है सी 90%। नेक्स्ट है एक्सक्लूडिंग वन रुपी नोट हूज सिग्नेचर इज ऑन द फाउंडर ऑफ अदर इंडियन करेंसी नोट्स, इसका आंसर है डी RBI गवर्नर। नेक्स्ट है अरेंज दी सिटीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसिस, इसका आंसर है फर्स्ट आपका बेंगलोर देन हैदराबाद देन मुंबई देन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 है व्हेन वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन फॉर्मड इन इंडिया, इसका आंसर है बी 1951। 125 नॉट कंफर्म्ड। 126 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडियन एक्सपोर्ट्स ग्रो द फास्टेस्ट, इसका आंसर है डी 2016 to 17। नेक्स्ट है वट वर द इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट इन द रिस्पेक्टिव फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर्स ऑफ 2017-18, इसका आंसर है बी 5.7% एंड 6.3%। नेक्स्ट है हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 2017, इसका आंसर है ए थेलर। नेक्स्ट 129 इन विच मंथ ऑफ 2014 वाज द मेक इन इंडिया स्टार्टेड, इसका आंसर है ए सेप्टेम्बर। नेक्स्ट है विच कंट्रीज फॉर्म ब्रिक्स, इसका आंसर है बी ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 31 है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे फॉल्स एवरी ईयर ऑन, इसका आंसर है बी 11 जुलाई। नेक्स्ट है फॉरेस्ट रिसर्च इन इंडिया इज अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ, इसका आंसर है बी ICFRE। नेक्स्ट 133 कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन, इसका आंसर डी कर्नाटक एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट है द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज बीइंग डन एट केदारनाथ फॉरेस्ट, इसका आंसर है बी मस्क डियर। नेक्स्ट वट आर द 3 R's फॉर ए क्लीन एनवायरमेंट, इसका आंसर है सी रिसाइकल रीयूज रिड्यूस। नेक्स्ट है 136 का आंसर है बी डेवलपमेंट एजेंसी। नेक्स्ट 137 का है द बेस्ट मटेरियल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़, इसका आंसर है सी क्लास बुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है भारत में महिला जनन क्षमता की लक्षित सीमा है, इसका आंसर है डी 2। नेक्स्ट 139 है इनमें से कौन गंगा नदी के उद्गम स्रोत और सिंक का प्रतिनिधित्व करती है, इसका आंसर है बी गंगोत्री वाराणसी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक सेंट ऑफ मैन के लेखक कौन है, इसका आंसर है जे ब्रॉन्स्की। नेक्स्ट है कुल्लू रियासत के राजाओं की वंशावली किसने संपादित की, इसका आंसर है ए कैप्टन हरकोट। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पठियार और कनिहार के शिलालेखों उनमें उस क्षेत्र का पुरलेखी रिकॉर्ड है किस श्रेणी के है, इसका आंसर है सी चट्टानों के शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 143 है किस शताब्दी के आसपास लाहौल के ठाकुर और राणा चंबा रियासत के अधीन आ गए, इसका आंसर है बी छठी या सातवीं। नेक्स्ट है शिमला की पहाड़ी रियासतों में से कौन सी सिरमौर रियासत की शाखा है, इसका आंसर है बी बलसन। नेक्स्ट है सुकेत रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी कांगड़ा बनाई, इसका आंसर है सी कीरसेन। नेक्स्ट है लाहौल और कुल्लू क्षेत्र किस वर्ष अंग्रेजों के अधीन आ गए, इसका आंसर है बी 1846। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शिमला हिल रियासत ने 1814-15 के आसपास गोरखाओं के विरुद्ध अभियान में अंग्रेजों की मदद की, इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी पुशहर कुलहर और हिंदूर ने की थी। नेक्स्ट 1775 ईस्वी के आसपास मुस्लिम गवर्नर नवाब सैफ अली के खान के बेटे जीवन खान से कांगड़ा के किले को प्राप्त करने में किसने कांगड़ा के राजा घमनचंद की मदद की थी, इसका आंसर है बी जयसिंह कन्हैया। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने बुशहर के राजा कहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि प्रदान की, इसका आंसर है डी औरंगजेब। नेक्स्ट है सिरमौर रियासत के किस राज्य ने अपने राज्य की राजधानी राजभवन से कल ही बदली, इसका आंसर है बी उदित प्रकाश। नेक्स्ट है किस वर्ष के आसपास रियासतों के राजाओं की परामर्शक संस्था नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, इसका आंसर है डी 1921। नेक्स्ट है कांगड़ा के किस राजा को मरा हुआ मानकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया जबकि वह जीवित था वास्तव में, इसका आंसर है डी हरिचंद वन। नेक्स्ट है उदम्बर अपने आप को किस प्राचीन ऋषि की संतान मानते थे, इसका आंसर है सी विश्वामित्र। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र के में खंपाओं को क्या कहा जाता है, इसका आंसर है सी थावा खंपा।
नेक्स्ट है, अंग्रेजों की गोरखाओं के साथ हुई लड़ाई के बाद जो व्यवस्था की गई उनमें किन ठकराओं को बुशर रियासत के अधीन कर दिया गया? इसका आंसर है डी खनिकटी और देलट। नेक्स्ट है, ऊपरी किन्नौर क्षेत्र में मृत व्यक्ति के कान में लामा जो कथन फुसफुसाता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है ए फुहा। नेक्स्ट है, किन्नर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है सी राहुल संकृत्यान। नेक्स्ट है, पार्वती नदी का स्रोत कौन सी झील है? इसका आंसर है मंतिलाई। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर है बी 55,673 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत लाहौल स्पीति जिले में आता है? इसका आंसर है डी 25%। नेक्स्ट है, सतलुज नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? इसका आंसर है ए सिपी। नेक्स्ट है, कसोल गर्म पानी का चश्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? इसका आंसर है सी कुल्लू। नेक्स्ट है, चंद्र नाहन हिमनद किस जलधारा को पोषित करता है? इसका आंसर है सी बब्बर। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में कौन सी पर्वत श्रृंखला मानव पर्वत के नाम से जानी जाती थी? इसका आंसर है डी शिवालिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी दर्रा कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है? इसका आंसर है ए तेलंग। नेक्स्ट है, नरसिंह टिब्बा चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? इसका आंसर है सी चंबा। नेक्स्ट है, नवाही देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कौन से कस्बे के पास है? इसका आंसर है बी सरकाघाट। नेक्स्ट आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंग अनुपात क्या था? इसका आंसर है सी 972। नेक्स्ट है, शिमला की पहाड़ी रियासतों में 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले उत्तरदायी सरकार स्थापित करने वाली कौन सी टकराई थी? इसका आंसर है बी थियोग। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना किस वर्ष के आसपास हुई? इसका आंसर है बी 1970। नेक्स्ट है, दरान घाटी शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के किस कस्बे के पास है? इसका आंसर है बी रामपुर कुशहर। नेक्स्ट है, ए ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस स्थापित करने की कल्पना की का निवास शिमला के किस इमारत में था? इसका आंसर है रोहतनी कैसल। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में होने वाला रेणुका मेला किस दिन के आसपास शुरू होता है? इसका आंसर है दिवाली के 10 दिन बाद। नेक्स्ट है, कौन सा बौद्ध मत हिमालय की जनता के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है डी ताबू। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार के किस कार्यक्रम का नाम बदलकर विकास में जन सहयोग रखा गया? इसका आंसर है गाँव भी अपना काम भी अपना। नेक्स्ट है, निक्का चित्रकार किस रियासत के दरबार से जुड़ा है था? इसका आंसर है ए चंबा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कोदा शैली से बना है? इसका आंसर है बी हिडम्बा देवी जो कुल्लू में है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के बुशहर और कोटकट क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? इसका आंसर है डी कोची। नेक्स्ट आपका, 1952 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपसभापति कौन थे? इसका आंसर है बी कृष्णचंद। नेक्स्ट आपका, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश टोटल काउंसिल को विधानसभा में बदल दिया गया? इसका आंसर है सी 1963। 181 का है, 1948 में स्थापित की गई हिमालयन प्रांत प्रोविजन सरकार जिसका मुख्यालय शिमला में था के मुख्य कौन थे? इसका आंसर है शिवानंद रमोल। नेक्स्ट है, सिरमौर क्षेत्र के हार नामक लोकगीत और बिलासपुर मंडी तथा कांगड़ा क्षेत्र के झेड़ा लोकगीत का विषय क्या है? इसका आंसर है बी पराक्रम। नेक्स्ट है, कयांग नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर है बी किन्नौर। नेक्स्ट है, 184 का, हिमाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय शिमला में कहाँ पर है? इसका आंसर है सी रिट्रीट। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में किस स्थान पर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर है सी पंडोगा। नेक्स्ट है, शोंगटोंग कड़शम जल विद्युत योजना किस नदी पर है? इसका आंसर है सी। क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? इसका आंसर है ए 1952। नेक्स्ट है, नूरपुर रियासत की स्थापना किस राजा ने की? इसका आंसर है ए जीतपाल। नेक्स्ट है, गंगी और मोहना लोकगीत किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? इसका आंसर है सी बिलासपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ट्राउट फिश के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है बी रोहू। नेक्स्ट है, शिमला के निकट किस स्थान पर गोल्फ कोर्स है? इसका आंसर है बी हल्देरा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश बिलासपुर में कौन सा स्थल हर्बल गार्डन के लिए जाना जाता है? इसका आंसर है जंगल जलेड़ा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक किस बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया है? इसका आंसर है सी PNB पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सीमेंट प्लांट लगाने के लिए खनन हेतु पट्टा प्रदान किया गया है? इसका आंसर है सी अल सिंडी। नेक्स्ट है, शिमला जिले में कौन सा स्थान स्कीकिंग के लिए जाना जाता है? इसका आंसर है ए नरकंडा। नेक्स्ट है, किंकरी देवी ने 1987 ईस्वी में किस मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की थी? इसका आंसर है ए गैरकानूनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 1982 में उसकी रचना पहाड़ी चित्रकला के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर है किशोरी लाल बैल। नेक्स्ट है आपका, 1967 ईस्वी में निर्मित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर है 2। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के किस चुनाव में BSP ने एक सीट जीती थी? इसका आंसर है बी 2007 में। नेक्स्ट आपका है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा 2017 के चुनाव में किसने सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी? इसका आंसर है डी विनोद कुमार। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।